अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अमन बेटा? मेरी बच्ची आई है। वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक, फर्स्ट क्लास। आज सुबह सुबह कैसे? बस हूँ मैं अपनी नंद प्लस भाभी के लिए नाश्ता लेकर आई। खाला जान, हम आनिया के रूम में जाएं? वो उड़की होगी ना। बिल्कुल चले जाइए, और अगर सो रही हो तो उठाइएगा नहीं। अरे वाह, बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बहू पे। है तो मेरी सगी भांजी है, उससे प्यार नहीं करूंगी तो किसे करूंगी। अरे भाई असली बात सुनो ना, तुम्हारी मम्मी ने मॉर्निंग शो में सुन लिया था कि अकलमंद सासें बहुओं के साथ खुश अखलाकी से पेश आती है। ये बात कोई दोपहर का भी मॉर्निंग शो होता है। अच्छा बहुत भूख लग गई है ना, वो नाश्ता मैंने नजमा को दे दिया, उसने अंदर रख दिया होगा। आप प्लीज जल्दी से लगवा दें, हम आएंगे। ऑलराइट, ओके, बस जाइए। अच्छा ये बताओ, अमाल भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया? क्यों भाई, हम तुम्हें क्यों बताएं? हमने पूछा कि शामिर ने रूसा को क्या दिया। हाँ तो पूछ ले मुझसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? डायमंड रिंग दिया उससे मुझे। अच्छा प्लीज अब शराफत से बता दो क्या दिया है, मुझसे वेट नहीं हो रहा। एक सेकंड, मैं बताता हूँ कि मैंने क्या दिया। ठीक, ये लो और नजर मत लगा देना इसे, बहुत प्यार से इस्तेमाल कर रखा है मेरी मिसेस ने इसे रात से। Oh my God, it's so beautiful. दिखाओ तो सही। Wow, it's so beautiful. आनिया पहन के दिखाओ ना इसे। पहनो। ये क्या बदतमीजी है? नहीं पहनना मुझे। It's okay. लाओ मुझे दो, वो इसके लॉक में एक छोटा सा मसला आ गया था इसलिए आनिया ने उतार के साइड पर रख दिया। मैं ठीक करवा दूँगा इसे। अच्छा, तो इस बात पे मूड खराब है। अच्छा वो अम्मी ने नाश्ता लगा लिया होगा नीचे, तो हम चलते हैं, तुम रेडी होके आ जाओ। ठीक है, वेट करते हैं डाइनिंग रूम में तुम्हारा। चलो इमन। आप जाए, मैं नहीं जा रही। इमन चलो नीचे, चलो। एक बात बोलो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत, लेकिन तुम इससे भी ज्यादा गलत कर रही हो उन लोगों के साथ जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपको ज्यादा ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना शुरू हो गया आजकल? एक बंदा और कर भी कह सकता है जनाब। उस इंटरव्यू का क्या हुआ जो आप पिछले हफ्ते देने गए थे? क्या होना था? जॉब जो है वो मेरी क्वालिफिकेशन से बहुत कम थी, सेल्स का काम मैं कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने रिफ्यूज कर दिया। रियल ऐसे कैसे चलेगा अगर हर चीज आप रिफ्यूज करेंगे तो? अल्लाह मालिक है, परेशान मत हुआ करो। क्या हो गया रोहेल, क्या हुआ, क्या क्या पढ़ लिया आपने? ये पढ़ो, मेरे बाप ने मुझे प्रॉपर्टी से आग कर दिया। क्या, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लोग पागल हो गए हैं क्या? आपको बात करनी चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते, वो लोग ज्यादती है। कोई बात नहीं करनी किसी से। रोहेल भाई मजा आ गया, बहुत उम्दा नाश्ता। किसने बनाया? रूसा बेटा तुम लेकर आई? यस। क्या बात है, मैं तो कहता हूँ रोज ऐसा नाश्ता करवा दिया करो, आनिया भी खा लिया करेगी। और ये जो आप बद परहेजी कर रहे हैं ना, अभी अम्मी आ गई हैं, आपको बताएंगे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा जब। गुलास का फोन आया था। आपने अखबार में कोई ऐड दिया? हाँ, दिया है तो अबू कैसा है? मैंने रोहेल को अपनी सारी प्रॉपर्टी से आग कर दिया।
आपने अपने बेटे के साथ ज्यादती की। इफ्फत बेगम, ज्यादती का मतलब समझती हैं आप? अगर आपको नहीं पता ना, तो जाकर अपने साहबजादे से पूछिए, रोहेल से, जिसने पूरे खानदान में हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या जरूरत थी इतनी जल्दबाजी करने की? जरूरत तो इस बात की भी नहीं थी कि आप अपने नाफरमान बेटे की खातिर मुझसे बहस मुबहसा करें। मेरी बात सभी अच्छी तरह समझ लें। मेरी जायदाद है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जो चीज चाहे करूं और जिसे जी चाहे तू, एक टका नहीं दूंगा उसे। Excuse me. अबू, आप कम से कम किसी से मशवरा तो कर लेते। क्या मशवरा करता मैं और किससे मशवरा करता? ये बताओ, तुम्हारे बड़े भाई ने मशवरा किया मुझसे कि वो मंतहा से शादी कर रहा? और तुम्हारी मां को क्या जरूरत थी इस वक्त ये किस्सा छेड़ने की? किसी की मौजूदगी गैर मौजूदगी का भी लिहाज कर लिया जाता है। मैंने तो ऐसी एक बात की। अम्मी, अबू ठीक कह रहे हैं, आपको ख्याल रखना पड़ेगा ना आनिया भी इसी घर में। बेटा, अच्छी तरह समझाओ अपनी माँ को कि जो इस घर में मौजूद है उसकी फीलिंग्स का ख्याल करे, ना कि अपने लाडले के गम में दुबली होती रहे और उसकी फेवर करती रहे, जिसने खुदगर्जी की आला मिसाल कायम कर दी है पूरे खानदान में। अम्मी, आनिया शायद नाराज होके गई है, आप प्लीज जाकर से बात कर ले प्लीज। नाश्ता कर। हला, मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। मुझे पता है तुम बहुत सेंसिबल हो, लेकिन सारा घर मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया। सब खुद ही सेट हो जाएंगे। सब तो सेट हो जाएंगे, पर मैं बहुत अपसेट हूं। क्या जरूरत थी अखबार में इश्तेहार देने की? खानदान को एक नया टॉपिक मिल गया मजाक उड़ाने का हमारा। फिलहाल तो पूरा खानदान सिर्फ हमारी शादी का मजाक उड़ा रहा होगा। क्यों? कौन सी अनोखी शादी कर दी जिसका मजाक उड़ा? कोई बात तो करके देखे मेरे सामने। बातें तो पेट पीछे की जाती हैं। किस किस को चुप कराएंगे? वैसे भी मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तुम अपना दिल बुरा ना करना मेरे से। आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं खाला? मैं आपको जानती नहीं क्या? सब ठीक है, लेकिन पर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम बस तुम्हारे दिल को। अबू बुला रहे हैं आपको। अच्छा, आती हूँ। और तुम गुलनास के पास ले जाओ मिलवाने से, ठीक है? जी।